हेलो गाइस, वेलकम टू आरव कुमार ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी ने मेरी पहली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया यार, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने उसको इतना लाइक किया यार, मतलब खुशी हुई है। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं लच्छीवाला नेचर पार्क, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत दो तीन दिन से जो है मैसेज आ रहे थे कि यार आप जो हमें लच्छीवाला का वो दिखाओ, मतलब कि पहले कैसे था और अब कैसा हो गया। तो यार आज हम उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे, हमारे बड़े भाई ने उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं पहले भी, लेकिन यार हम कोशिश करेंगे कि जो वो नहीं दिखा पाए वो हम दिखा सकें, मतलब थोड़ा बहुत यार। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं भी नहीं गया, आज मैं भी जाऊँगा लच्छीवाला, देखते हैं कैसा हो चुका है। लेट्स गो गाइस, मज़ा आने वाला है। तो भाई हम फाइनली आ चुके हैं लच्छीवाला के गेट पे। तो यहाँ पे मतलब यार इसका तो भाई मैं मास्क उतार के बात करूँगा यार, क्योंकि इसमें बोल नहीं पाऊँगा ना, आवाज़ कम आएगी। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं, और तो यहाँ पे यार मतलब यार पूरा चेंज हो चुका है इसका गेट भी बाहर का, मतलब पहले कैसा था यार अब तो पूरा ही चेंज हो चुका भाई। बाहर ही ऐसा हो गया तो अंदर मतलब क्या मस्त होगा भाई, बहुत एक्साइटेड हो गया यार अब तो मैं भाई। चलो यार अब तो वेट नहीं होता, आ जाओ टिकट विकेट का पूछते हैं कितना एंट्री है, फिर उसके बाद आपको बताते हैं, आ जाओ। तो गाइस हमने यहाँ पे अभी टिकट ले लिया है दो बंदों का, एक का जो है यहाँ पे 50 रुपये टिकट है, और अभी यहाँ पे अगर टू व्हीलर या वो है तो भाई उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, मतलब हमारा जो 25 रुपये टू व्हीलर का लगा है। तो चलिए अब एंजॉय करते हैं अंदर जाके गाइस, बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ यार, मतलब कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है इस बार जाने के लिए, आ जाओ। तो गाइज हम थोड़ा अंदर आके लच्छीवाला से, यहाँ पे हम एक भाई ऐसी जगह पे रुके हैं, मतलब यहाँ से ना आप लच्छीवाला का पूरा व्यू देख सकते हो, इतना भाई ज़बरदस्त आता है ना एकदम, भाई मज़ा आ जाता है यहाँ के से यार, पूरा व्यू एकदम ऐसा आता है बिल्कुल भाई, जो आप वहाँ से नहीं देख सकते ना वो यहाँ से हाइट पर चढ़ के देख सकते हो यहाँ से, बहुत अच्छी जगह। चलो आपको भी दिखाते हैं यहाँ पर चढ़ के कैसा व्यू आता है भाई। कचरे कचरे बकरे बकरे खड़ी ना मैं से तू, हाँ मैं हूँ चोरों से नहीं जी हजूरी कर दू। फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। तो भाई क्या मतलब क्या देखता हूँ मैं यार यहाँ पे आके, जो व्यू है भी यार क्या मौसम हो रखा है भाई, वहाँ पे दूर दूर इतने प्यारे बादल दिख रहे हैं ना भाई, यहाँ से नदी भी जो है उफान पे आ रखी है आजकल, सोम नदी है ये। तो चलिए यार आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से, मतलब वो देखो सामने।
तो गाइज फाइनली हम आ चुके हैं लच्छीवाला के अंदर। मतलब यार यहाँ पे देखते ही इतना मज़ा आ गया ना भाई, क्या बना दिया यार इन्होंने भाई। गेट ही इतना सुपर लग रहा है इसका कि मतलब देखने का भाई यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। आ जाओ आगे दिखाते हैं आपको भाई यहाँ पे मतलब। गढ़भूमी गढ़वाल हौसला ऊंचा जन पहाड़ हसदा चेहरा खिल दु प्यार माटु यख कु मेरु संसार च सुरु सुरु बताओ चल दी जब रंगत जन की सबसे दंग स्वाण लग दू मेरु पहाड़ दादा भैजी गेंदा दब पहाड़ी है फील पहाड़ी है फील पहाड़ों में रह के हम करते हैं चिल पहाड़ी है फील पहाड़ी है फील स्वाने नहीं करते हम रहते हैं चिल पहाड़ी है फील पहाड़ी है फील पहाड़ों में रह के हम करते हैं चिल पहाड़ी है फील पहाड़ी है फील स्वाने नहीं करते हम रहते हैं चिल देव भूमि का मैं लड़का दिल को साफ सांसे छो भर दू ना बीफ कर दू ना मैं झगड़ दू क्योंकि मैं पहाड़ बटी रैप कर दू भर दू पहाड़ों की हवा चिताजी नौना पहाड़ का हुंदा काम काजी बरखा चौमासी डांडो मा चल खिलिया बुरा सौर खिलिया का फल साल हाय का फल नहीं खाए चाचा का वाए थे वो भी नहीं लाए दगड़िया भी फोटो डाले के चिड़ाए साल हाय मैंने का फल नहीं खाए ना पहाड़ी ची कपड़ा ना। ओ भाई यहाँ पे हम रुके हैं यार, मतलब क्या प्यारी चीज बनाई है भाई लोगों ने यार। मतलब पहले ऐसा कुछ भी नहीं था भाई यहाँ पे, कितना प्यारा लग रहा है भाई ये देखते यार। मतलब ये देखो यार वहाँ पे देखो भाई हार्ट वाला, आओ वहाँ चलते हैं यार। मतलब क्या भाई क्या ही चीज़ बना दी भाई, अरे वाह यार मतलब मज़ा आ गया भाई देखते यार, मूड अच्छा हो गया भाई यहाँ पे आके। मैं सोचा था भाई मतलब कि कैसा होगा, लेकिन यार यहाँ के भाई पूरा मतलब यार आ जाओ यार आपको दिखाता हूँ। ओ भाई ये क्या भाई, अरे ये क्या चीज़ बना दी भाई लच्छी वालों को, पूरा हुलिया चेंज कर दिया यार। पहले तो मतलब कैसा था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ गार्डन सा था और दो चार वहाँ पे झूले थे भाई बच्चों के टाइप के, लेकिन सच कहूँ भाई अब तो औसम जगह बना दी। देखो यार आपको मैं ये दिखाने लाया भाई वहाँ से, मतलब ये भाई वहाँ से ऐसा दूर से अलग ही फोकस मार रहा था भाई दिल सा, मतलब यार क्या बनाया यार इतना ब्यूटीफुल लग रहा भाई। मतलब ये देखो यार क्या चीज़ है भाई, ये देखो यार आप भी देख सकते हो, आपको भी अच्छा लग रहा होगा देखने में, मन भी कर रहा होगा आने का, तो भाई यहाँ पे आओ देखो एंजॉय करो। और क्या बोलूँ भाई आपको मैं, बस एक वहाँ पर भी है भाई, वहाँ पे थोड़ा पर्पल सा है ये थोड़ा पिंक सा है, मतलब यार क्या कॉम्बिनेशन है भाई ये हाथ सा, अरे ये क्या है भाई। हो भाई मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं यार, फोटो फाटो खिंचा सकते हैं, मतलब प्लास्टिक का है ये यार पूरा, मस्त है भाई जो भी है, मतलब क्या बोलूँ भाई। भाई मतलब दिल दूल देखने के बाद तो मैं इधर आया, मैंने देखा मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मतलब यार ये इतना उदास क्यों बनाया इन्होंने यार, मतलब कुछ तो सोच के बनाया होगा यार, मतलब इतनी अच्छी जगह पे ये इतना उदास कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे यार इतना उदास कैसे है ये भाई, पूछना पड़ेगा भाई इन्होंने क्या सोच के रहना है यहाँ पे। आपको ये दिखाता हूँ भाई मतलब क्या लिखा है यार, क्या क्या चीज़ें लगा दी भाई इन्होंने यहाँ पे यार, कितना ऑसम है भाई। आप यहाँ पे यार फोटो वाटो खिंचा सकते हो मस्त आके, मतलब एक नंबर चीज़ है भाई, मैं आपको इसके पीछे जाके बताता हूँ। तो भाई ये वो जगह है भाई, इसके ऊपर चढ़ने का भी है साइड से, तो भाई ये क्या चीज़ है भाई, ऑसम है यार एकदम भाई। झरना देखो यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, चलो झरने पे चलते हैं भाई। Thank you.
तो भाई हम यहाँ पे आ चुके हैं नहाने वाली जगह पे। पहले यहाँ पे नहाया करते थे यार, मतलब बहुत टाइम पहले, काफ़ी साल हो गए, लेकिन अभी जो है बंद कर दिया इन्होंने। यहाँ पे मतलब पुल तो अच्छा बना हुआ, आप देख लो यार, पुल तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि सख्त, यहाँ पे जो है नहाना सख्त मना है भाई यार। मतलब इतनी अच्छा है, धूप में भी आके यहाँ पे ना नहा पाए तो कैसा होगा। लेकिन इसका जो पीछे साइड एक एरिया है वहाँ पे नहाने के लिए, आप वहाँ जा सकते हैं अगर आपको नहाना ही है तो, वरना यार ये तो देखने के लिए भी अच्छा व्यू है भाई, क्या शानदार लग रहा है। जंगलों के बीच में ऐसा फूल कहाँ मिलता है यार, क्रिएटिविटी तो है भाई। चलो आगे दिखाते हैं आपको। तो भाई हम यहाँ पे मतलब थोड़ा आगे आके आप देख सकते हैं कितना शांत लग रहा है यहाँ पे यार, एकदम मस्त। आप भी आए हो, आगे आओ, कितना साफ है भाई यहाँ पे, मतलब साफ़ सफाई का भी एकदम ध्यान रखा गया है भाई। आप आगे आ सकते हो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि जो है मतलब क्या भाई, यहाँ पे भी साफ़ सफाई अभी भी चल रही है, मतलब पत्ते गिर रहे हैं ऊपर से तो उनको भी हटाने का काम चल रहा है भाई। यहाँ से आप देख सकते हो क्या बढ़िया व्यू लग रहा है भाई, ये वाला व्यू दिखाओ, ये वाला व्यू देख सकते हैं आप यार, ज़बरदस्त भाई एकदम, वाह यार इतना साफ सफाई। आगे चलते हैं यार, यहाँ तो बिल्कुल ही मस्त हो गया है भाई, एरिया तो बढ़िया है यार। मतलब भाई यहाँ पर अब ये लॉकर टाइप भी कुछ बना दिया है इन्होंने, ये साइड से जो है मतलब कुछ कपड़े या कूड़ा रखने के लिए ऐसी कुछ है भाई, ये भी बढ़िया कर दिया इन्होंने। तो भाई ये देख सकते हैं हम यहाँ पे पुल, ये है सबसे गहरा वाला, मतलब यहाँ पर जो है बड़े ही नहा सकते हैं, यहाँ पर बच्चे तो डूब जाएंगे यार, जिसको तैरना नहीं आता वो भी यहाँ पर क्या नहा पाएगा। और ये बीच वाला मतलब ये मीडियम वाला है, यहाँ पर जो है सभी नहा सकते हैं, बच्चे भी बड़े भी। और इसे जो आगे वाला है ना आपको दिखाता हूँ, चलिए बस जो इसके पीछे वाला वो है देखो, वहाँ पे ना मतलब वहाँ पे बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए और जो फैमिली के लोग हैं, मतलब फैमिली मेम्बर जो इधर नहा सकते हैं मस्त। तो भाई उससे अच्छा तो मुझे यार नहाने से अच्छा तो यहाँ पे मतलब ये घूमना अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, मतलब मज़ा आ गया, देख सकते हैं आप यार, आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पे थोड़ी हवा चलती है तो ये घूमेगा, और क्या मस्त साउंड आता है इसका, एकदम प्यारा साउंड यार। आई होप कि गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भाई मुझे मतलब कुछ जगह बताने के लिए, या आप चाहते हो जहाँ का आप देखना चाहते हैं ब्लॉग, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे। तो यार चलो, थैंक यू यार,